बिहार में बाढ़ का संकट गहरा गया है। सूबे में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहने से सभी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर कई दिनों से नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कोसी और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके चलते गंगा और कोसी महानंदा बेसिन क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जिसकी वजह से राजधानी के घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं दियारा क्षेत्रों में पानी घुसने से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे हैं। बिहार के ज्यादातर जिलों में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सीमांचल सहित बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना और सुपौल समेत दूसरे जिलों में नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में सैलाब के हालात बनने से लोग चिंतित हैं। बहुत खराब दयनीय स्थिति है सर, यहाँ का हम लोग का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण हम लोग के देहवासियों को डर बना हुआ है सर। आवागम में बहुत हम लोग को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, दियारवासी डर सहमे हुए हैं सर। हम लोग आने जाने में, चाहे हाट बाजार जाने में, चाहे बड़ बीमारी होता है तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है सर। बिहार जल संसाधन विभाग के मुताबिक सूबे में बागमती, कमला बलान, भुतही बलान और ललबकिया नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गंगा, गंडक और अधवारा समूह की सभी नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर जाएगा। समस्तीपुर और बक्सर में गंगा उफान पर है। दानापुर में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। सुपौल के कोसी बराज का जलस्तर इस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बराज के 25 फाटकों को खोल दिया गया है। नेपाल में भारी बारिश होने से कोसी बराज में 24 घंटे के अंदर 60,000 क्यूसेक से अधिक पानी बढ़ गए हैं, जबकि वाल्मीकि नगर बराज पर लगभग 40,000 क्यूसेक तक पानी बढ़ा। दोनों बराज में पानी का दबाव बढ़ने पर इस साल का सर्वाधिक वाटर डिस्चार्ज किया गया है। बागमती और कमला बलान नदी का जलस्तर 24 घंटे में 2.25 मीटर से अधिक बढ़ गया है, जबकि भुतही बालान के जलस्तर में 24 घंटे में 1 मीटर से अधिक और ललबकिया नदी के जलस्तर में 1.5 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जल स्तर तो बहुत तेजी से मतलब बढ़ रही है और इस जल स्तर के कारण हम दियारा वासी में इतने भगदड़ है ना, अपने अंदर मतलब जो है एक शक्ति होता है, उस शक्ति हर इंसान को मतलब की एक लूज हो गया, समझे ना। देखिए किस प्रकार मतलब नाव घाट वहाँ है, वहाँ से मतलब कि वहाँ जा रही है नाव, कितना तेजी से भाग रहे। अब बताइए दियारा वासी मतलब कैसे रहेगी, इतना जल स्तर बढ़ रही है और कोई भी सरकार के एक भी मतलब नेता देखने नहीं गया, एक भी नेता दियारा में देखने और कदम रखने नहीं गया कि दियारा वासी कैसे रह रहा है। अब बताइए अगर मान के चलिए हम लोग कैसे दियर की जिंदगी काट रहे हैं और जो मजदूर जो लेबर लोग हैं डेली 400-500 कमाते हैं, वो कैसे डेली आते जाते हैं ये किसी को नहीं पता है। और शहर के जो अपार्टमेंट में और लॉज लेकर रहते हैं लोग नेता, उनको मात्र 2 से 3 दिन दिया रहने के लिए बोल दीजिए तब समझेंगे। देखिए जल स्तर कितना तेजी से, इतना मतलब भगदड़ हो गया ना हम समाजों में, दियारा के समाज को पूछिए मत, बहुत ज़्यादा तेजी से मतलब। अपना नाम बता।